ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जींद में आज अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं 2019 के चुनाव से पहले, और सीधे सुनवाते हैं आपको जींद में रैली स्थल से शिक्षा मंत्री रामबला शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उससे पहले शिक्षा मंत्री रामबला शर्मा लोगों को संबोधित करते हुए। भाई अश्विनी चोपड़ा, राव नरवीर सिंह, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से संजय भाटिया भूल गए थे कि भिवानी अकेला कह दिया। ये नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ नारनौल वाले नाराज हो गए, तो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी, हमारा लश्कारे वाले मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने शैलजा को घग्गर में डुबो दिया, रतनलाल जी कटारिया, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय मंत्रीगण, कालका से बड़ा जत्था लेकर के आई, कल कैथल में डेरा किया, आदरणीय बहन लतिका शर्मा जी गरुंडा से बड़ा जत्था लेकर के आए, अरविंदर जी कल्याण, नांगल चौधरी 300 किलोमीटर से आए हुए हमारे विधायक डॉक्टर अवैध सिंह यादव, नारनौल से 280 किलोमीटर चल के आए ओम प्रकाश यादव विधायक और कार्यकर्ता, और 210 किलोमीटर हम चल के आए सुबह बाइक पर, सारी सड़कों की बावत से सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, ये पत्रकार और छायाकार हमारे भाई हैं, इन्होंने पिछले 30-35 साल में हमारी बड़ी मदद की है, आज भी कर रहे हैं। कई लोग बोले ये बीजेपी वाले क्या क्या फैसले करते हैं, ये मोटरसाइकिल से कैसे जाएंगे। कई भाई ऐसे हैं, अरे आदरणीय चौधरी देवीलाल ने इनकी पार्टी को हरा झंडा दिया और ये काले में बढ़ गए। हमने कहा था मत जा मेरे में, इसलिए आज ये पत्रकार और छायाकार मित्र, इनके बड़े लेटेस्ट कैमरे हैं, ये देख सकते हैं नांगल चौधरी से लेकर के जींद तक, चाहे भिवानी हो, चाहे गोलागढ़ की सड़क हो, चाहे पाली हो, चाहे खुडाना हो, चाहे मालड़ा और लामन हो, चाहे मोरनी से लेकर के रायतन का इलाका, चाहे जगाधरी से लेकर के मुस्तफाबाद का इलाका, आज पूरा हरियाणा का कार्यकर्ता यहां पर जींद में हाजिर है। इसलिए आज सब कार्यकर्ता भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पटाखे आपके स्वागत में छोड़े जा रहे हैं। मैं भाई बहनों आपसे आज कहना चाहता हूं, बीजेपी के सब कार्यकर्ता भाई बहनों को, सारे मेंबर पार्लियामेंट, सारे विधायक, कई पत्रकारों ने पूछा ये 2019 की तैयारी है क्या। हमने उन मित्रों से कहा ये 2019 की तैयारी भी है, ये 2022 की तैयारी भी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हरियाणा संघर्ष की धरती है। कृष्ण कन्हैया ने पाप और पुण्य का फैसला करना था तो कुरुक्षेत्र में आके खड़े हुए, मराठों ने दिल्ली की रक्षा करनी थी पानीपत की 30,
तीन लड़ाई यहां पर हुई और हरियाणा में पिछले अक्टूबर 2014 में ये लड़ाई हमने यहां पर लड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हम लड़का लड़की की जब शादी करते हैं तो हमारी बेटियां गीत गाया करती हैं, हमने बुलाए लंबे लंबे छोटे क्यों आए। पत्रकार छायाकार मित्रों, ये हरियाणा है, ये संघर्ष की भाषा को जानता है। कुछ लोग न्यू कहने लगे, बोलो भाई बाइक पर क्यों आए। मेरे से कुछ पूछने लगे, मन कर रहे 82 में एमएलए बना पहली बार, हमने तो बाइक चलाई सारी जिंदगी। ये हमने ये जो विरोध करने वाले थे ना, उनको दिखाने के लिए ढोल का डंका बजा के सोरा ने डीजे चलाया, गेल गेल डीजे चलाया और ओम प्रकाश धनखड़ की बनायोड़ी रागनी डीजल पर गाई। हट जाता पाछे इब नाचण दे जी भर के। एक भाई के बारे में रागनी बनाई थी, उसका पांव टूट गया। अरे कांग्रेस मटी न्यारी न्यारी रैली करे, अशोक तंवर रैली करे, उसकी सांपले में साइकिल पंचर हो गई। भाई हुड्डा जी नांगल चौधरी से किया था फैसला, आने वाले 15 साल ये सरकार आने की पाली की सरकार है। विधानसभा में लोग कहा करते न्यू, बोले ओम प्रकाश धनखड़ ने कुर्ता काट के कहा था स्वामीनाथन कब लागू करोगे। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट में प्रावधान कर दिया, किसान की फसल का 1.5 गुना समर्थन मूल्य कर दिया कि नहीं कर दिया। चोपड़ा जी, इस बार के बजट में राव नरवीर विपुल गोयल आपका हिसाब किताब बड़ा सही है। डॉक्टर बनवारीलाल जी कह रहे हैं पहले गेहूं बिके 1600 रुपये, इसके इस बार मंडी में गेहूं बिकेंगे 2400 रुपये क्विंटल। तो रैली स्थल से लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, इस दौरान उन्होंने चौधरी देवीलाल का भी जिक्र किया और साथ ही इनेलो पर भी निशाना साधते हुए नजर आए।